अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद आरिफ, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं आर व्लॉगर। तो जी कैसे आप, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखे जी, मैं आ गया अपने देसी पोल्ट्री फार्म में। माशाल्लाह मैंने इनको जो है ना खाना दे दिया है मुर्गी को। ये देखे खाना डाल दिया है इनको, पानी भी दे दिया। अभी जो है ना इनको सिर्फ बहर में खुला करना है बस। अभी इनको बहर में खुला कर देते हैं। ये देखे बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं ये, माशाल्लाह चेक कर रही हैं, आपस में भी लड़ रही हैं सारी। इसको जो है ना बहर में खुला करते हैं। ये देखें कैसे आ रही हैं, इनको जो है निकाल लेते हैं, वरना ये उधर आपस में लड़ रही हैं। आ जाओ माशाल्लाह, तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये है जी हमारा देसी पोल्ट्री फार्म। माशाल्लाह हमारी मुर्गी चेक करें, ये देखें जी इसको मैंने जो मकई का दाना दे दिया है, ये मकई का जो दाना है वो खा रही है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं इसमें हमारे गोल्डन मुर्गी भी है। देसी पोल्ट्री फार्म में गोल्डन मुर्गी भी हमने रखी हुई है। देखे ये देखे माशाल्लाह हमारे मुर्गे चेक करें। हमारी जो नए वाली मुर्गी है वो अभी तक अंडे नहीं दे रही। इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में अंडे देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये सर्दी में जो है ना थोड़ा मौसम ठंडा होगा, फिर जो है ना ये अंडे देना स्टार्ट करेगी इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब जो हमारी मुर्गी है ना वो तकरीबन 10 से 12 मुर्गी है जो अंडे दे रही है। बाकी ये सारी नए वाली मुर्गी है ना, इसलिए ये अंडे नहीं दे रही अभी तक। इसमें से कुछ 2-3 दाने हैं जो देते हैं, बाकी सारी ऐसी है माशाल्लाह। ये जी देखे इधर से हमारे देसी पोल्ट्री फार्म के चूज़े जी, ये देखे माशाल्लाह 200 चूज़ा रखा हुआ है हमने इस साइड में, छोटा चूज़ा माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मुर्गी दिखा दूँ आप लोगों को कि बहुत ही अच्छी नस्ल की मुर्गी रखी हुई है, हेल्दी मुर्गी है बहुत ही माशाल्लाह हमारा देसी पोल्ट्री फार्म जी। और इधर देखे जी, ये हैं जी हमारे देसी चूज़े माशाल्लाह। ये देखें बहुत ही प्यारे, ये भी बहुत ही अच्छी नस्ल के हैं, ये आप देख सकते हैं। पानी भी रख दिया मैंने इनको और ये खाना भी दे दिया माशाल्लाह, देखे खा रहे हैं खाना। ये दस सारे के सारे देसी चूज़े हैं। ये हमने जो है ना ये ख़रीद किए थे, हमारे पास हालांकि मशीन रखी हुई है, हम चूज़े उधर से भी निकलवा रहे हैं, लेकिन ये चूज़ा हमने ख़रीद किया हमारे अहबाब में ख़रीद करके लाया, फिर हमने इसको जो है इधर बंद कर दिया। अभी इसको देखे माशाल्लाह, लेकिन हमारे जो मशीन में से हम बंद चूज़े निकलवा रहे हैं वो हम अलहदा रख रहे हैं उस साइड में माशाल्लाह। ये देखें उधर मोर रखे हुए हैं, इधर कबूतर रखे हुए हैं, इस साइड में मुर्गी के चूज़े भी रखे हुए हैं और बत्तख के भी, और ये चकोर भी हमने रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, वो मैं नज़दीक जाके दिखाऊंगा। और इस गुरफे में जो है ना हमारी बड़ी मुर्गी होती है, ये सारी की सारी जो बहर में खुली की हुई है सारी। और ये पिंजरे में हमारे मुर्गी के चूज़े, देसी मुर्गी के चूज़े बड़े 3 महीने के चूज़े, और उस गुरफे में जो छोटे चूज़े हैं वो मैंने दिखाए आपको वो हैं। अभी जो है ना इधर चलते हैं, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी बहुत बड़े हो चुके हैं, 3 महीने के हो चुके हैं माशाल्लाह। इसको भी खाना दे दिया है मैंने, सुबह के टाइम जो है ना मैं इनको खाना और पानी दे देता हूँ, फिर जो दूसरा खाना है खुराक इसकी वो शाम को मैं देता हूँ। अभी आप चेक करें माशाल्लाह, इसमें भी मुर्गे जो है ना बहुत हैं, मुर्गियाँ भी बराबर की हैं।
मुर्गे जो है ना वो मुझे ज़्यादा नहीं दिखते, लेकिन मुर्गियाँ जो है ना इसमें फीमेल जो है ना वो ज़्यादा है माशाल्लाह। तो जी ये जो हमने चूज़ा ख़रीद किया था उस वक्त, ये हमने तकरीबन 15 दिन का चूज़ा है ये जो हमने ख़रीद किया, अभी 15 दिन का हुआ क्योंकि हमारे पास भी इसको 10 दिन हो गए हैं। उस वक्त जो है ना ये बहुत छोटा था, उस वक्त जो है ना हमने इसको ख़रीद किया था भाई 3 रुपए का, यानी कि 3 दिरहम का एक दाना ख़रीद किया था हमने, ख़रीद किया 200 दाना, यानी कि 600 का हमने ख़रीद किया, ये 200 दाना 600 दिरहम का, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी हम इसको सिर्फ एक महीना, महीने के बाद जो है ना, सिर्फ एक महीने बाद दिखाऊंगा मैं आपको, ये एक महीने के बाद जो है ना हम इसको 20 दिरहम का जो है ना बेच सकेंगे इंशाल्लाह, 20 दिरहम का बेचेंगे। हमारे जैसे ये बड़े मुर्गी है ना, ये बड़े चूज़े, हम ये 35 से 40 दिरहम तक का बेच सकते हैं इसको। ये बड़े हमारे पास जो चूज़े खड़े हुए हैं ना, गोल्डन हैं, देसी हैं सब, इसको हम 35 से 40 दिरहम तक बेच सकते हैं। लेकिन ये जो हमने 3 रुपए का दाना ख़रीद किया था उस वक्त बहुत छोटा था, और हम इसको एक महीने बाद 15 से 20 रुपए का, 20 दिरहम का जो है ना बेच सकते हैं इंशाल्लाह। वो आपको दिखाऊंगा कि ये एक महीने में इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी होती है, जो मैं इनको खुराक दे रहा हूँ ना वो उससे इसकी खुराक जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है माशाल्लाह। और ये वाला चूज़ा जो हमारे पास खड़ा हुआ है, ये हम ऐसे बेचेंगे 25 से 30 दिरहम तक, ये वाला 35 से 40 दिरहम तक, और ये वाला जो है ना 25 से 30 दिरहम तक बेच सकते हैं हम। लेकिन अभी हम सेल नहीं कर रहे, मैं सिर्फ इनका रेट बता रहा हूँ कि बिज़नेस जो है ना कैसे किया जाता है, इसका बिज़नेस अगर करें। अभी हम वो 3 रुपए का दाना ख़रीद किया, अब मैं एक महीने बाद मैं जो है ना 15 से 20 दिरहम तक उसको बेच सकता हूँ अगर बेचना चाहूँ। ये 25 से 30 दिरहम तक का हमारे पास दाना ये खड़ा हुआ है, देखें मुर्गे का चूज़ा है ये, देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नस्ल के हैं, हेल्दी हैं, अपने हाथों से पाले हुए हैं, वैक्सीन भी खुद देता हूँ मैं इनको, दवाई भी खुद देता हूँ, किसी चीज़ की कोई बीमारी नहीं है इनमें माशाल्लाह, बिल्कुल फिट हैं। और ये चूज़ा जो मैं लेके आया हमारा अरबाब, इसको भी देखना, ये भी माशाल्लाह फिट खड़े हैं। अभी तक मैंने इनको जो है ना 2 वैक्सीन दे चुका हूँ, ये चूज़े को मैंने 2 वैक्सीन दे चुका हूँ माशाल्लाह, तीसरी वैक्सीन जो है ना वो मैं 7 दिन के बाद दूंगा इनको। ये भी छोटे से दाने थे, इतने से थे उस वक्त, तकरीबन मशीन से निकले, मैंने खुद हाथों से पाला इनको। अभी ये देखें माशाल्लाह, जो बड़ा चूज़ा है ये बड़े बड़े, ये हम 35 से 40 दिरहम तक बेच सकते हैं माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं आप। ये 4 महीने का चूज़ा है, जो बड़ा चूज़ा है वो 4 महीने, 4.5 महीने का हो चुका है, और ये छोटी जो 3 देसी चूज़े हैं ये भी 3 महीने के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है ये माशाल्लाह, तो ये आप देख सकते हैं। और इसी साइड में जो है नी हमारे पास है, ये देखें ये चकोर भी खड़ा हुआ है, ये भी हमने मशीन से निकलवाया, मशीनी चकोर है माशाल्लाह। लेकिन इस साइड में जो है ना हमारे पास और चूज़ा जो खड़ा हुआ है, ये देखें ये हमारे खुद मशीन से निकलवाया, हमारी मशीन का निकला हुआ चूज़ा, ये हमने मशीन में इसके अंडे रखे थे, हमारी जो मुर्गी अंडे दे रही है वो सारे मशीन में रखते हैं, और उधर से जो है ना चूज़ा पैदा करवा के इधर ले आते हैं। इसमें देखें ये बड़े वो फेडरल मुर्गी के चूज़े भी हैं माशाल्लाह। हमारे पास इस वक्त जो है ना 500 के करीब जो है ना चूज़े के साथ 500 जो है ना हमारे पास वो खड़ी हुई है मुर्गी माशाल्लाह। ये सारा चूज़े मिला के सारा कुछ, और ये वाले चूज़े भी साथ में मिक्स करके 500 चूज़ा हमारे पास, 500 जो है ना मुर्गी मौजूद है इस पोल्ट्री फार्म में माशाल्लाह। और देख सकते हैं 200 चूज़ा वो है, और तकरीबन 150-180 जो है ना वो हमारे पास ये बड़े वाली मुर्गी है, और उसके बाद वो देखे 70 दाना है, तकरीबन 60 से 70 दाना है जो हमारे पास ये चूज़ा खड़ा हुआ है 3 महीने का माशाल्लाह। जब मैंने ये स्टार्ट किया था मुर्गी रखना, हमने अरबाब के वह बोला, उस वक्त 25 दाना था हमारे पास, सिर्फ 25 दाना मुर्गी, बड़े वाली मुर्गी जो थी ना वो 25 थी उस वक्त, 25 मुर्गी थी हमारे पास। अभी ये देखें माशाल्लाह,
हमारे पास 25 मुर्गी थी। ये आप देख सह रहे हैं जो बड़े बाल गिर गए हैं जिसके, ये मुर्गी, ये बड़ी मुर्गी। हमारे पास 25 मुर्गी थी और इस 25 मुर्गी से जो है ना अंडे रखे, मशीन में बच्चे निकलवाए। अभी जो है ना माशाल्लाह हमारे पास 500 मुर्गी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 25 मुर्गी से 500 को देखें कितना हमारे पास हो गई है, आप देख सकते हैं। अभी जो है ना मैंने को खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, अभी टेंशन नहीं है। जब भी कोई इसमें से मुर्गी कोई तबान होती है, बीमार होती है, तो मैं उसको अलहदा करके उसको दवाई देता हूँ। अगर कोई फिर दूसरे मुर्गी को भी दवाई में अलहदा रखता हूँ, ऐसे ख्याल किया जाता है इनका। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।